धोना स्वीट वाइफ के मेरा हो जा रहा है। अब देखो वो बोल रही है बर्तन भी धोना, तो वो भी नहीं आता है मुझे, तेरे को सिखाना पड़ेगा। आज तू धो के दिखा दे, कल से मैं धो लूंगा। ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बहुत दिन से बिजी रह रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यूट्यूब का सब्सक्राइबर का काम कर रहा हूँ, वॉच टाइम इंक्रीज करने का काम कर रहा हूँ, तो वीडियो मेरे पास में शिरडी टूर के भी तैयार है, लेकिन डालने के लिए टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि एडिटिंग बाकी है। अब आज का ये जो वीडियो है इसका फास्ट में एडिटिंग करके ये तुरंत आज के आज ही अपलोड करूंगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद में अंदर से कुक मेरा जो है, मेरी इच्छा जो है पकाने की, यानी बहुत बार आदत है मुझे कि मैं पकाता हूँ, कभी कभी मूड होता है तब, तो आज कुकिंग करने वाला हूँ। लेके आया हूँ चिकन, तो तैयारी हो गई है मेरी कुक बनने की, तो आप भी देखिए घर पे भी ये ट्राई कीजिए चिकन की रेसिपी कैसी बनती है, और कमेंट करके बताना कि आप लोग भी बनाने के बाद कैसा टेस्ट बनता है। तो आइए देखते आगे की प्रोसेस हम लोग। तो गाइस हमारी पहली प्रोसेस स्टार्ट हो गई है चिकन साफ करने की, जिसमें मेरी श्रीमती जी, मेरी बीवी मेरी हेल्प कर रही है, जो हमेशा ही मैं कुक करता हूँ तब मेरी हेल्प करती है। तो अभी साफ करते हैं फिर आगे की प्रोसेस करते हैं, तब तक मैं प्याज वगैरह लेके काट लूँ। हमारा चिकन साफ होके तैयार है। अब अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ये आपके घर में रहता ही है हमेशा, लेकिन मेरी जो ट्रिक है, मैं ये देखिए लहसुन अदरक प्याज टमाटर और हरी मिर्ची, ये टाइम पे इसका पेस्ट बना के फिर ग्रेवी में डालता हूँ, ताकि टेस्ट भी अच्छा जाता है और ग्रेवी भी थोड़ी हमारी थिक बन जाती है। तो आइए अब इसको कट करते। तो गाइस कटिंग काम चल रहा है, श्रीमती जी हेल्प कर रहे हैं अपने को हमेशा की जैसे। कटिंग डिपार्टमेंट मेरा है, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से चाहिए। टमाटर काट लिया हूँ, अदरक हो गया है, अभी प्याज चल रहा है, इसके बाद में लहसुन और हरी मिर्च की बारी है। आप लोग कैसा बनाते हो मुझे कमेंट करके बताना, कि मैं जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिस तरह से करता हूँ, आप लोग भी इसी तरह से करते हो या कोई और तरीके से करते हो, तो ये कमेंट करके बताना। और कुकिंग का वीडियो मैं सामने फेस पे आके पहली बार बना रहा हूँ, उसके पहले मैंने पनीर का वगैरह वीडियो डाला हूँ, लेकिन पूरा सामने नहीं आया, तो ये वीडियो कैसा बनता है पता नहीं, लेकिन देखिए आगे देखते हैं कैसा होता है। तो गाइस जैसा कि चिकन है, ये हम लोग कढ़ाई में भी गला सकते हैं, लेकिन झटपट होने के लिए, और मेरी आदत है मैं हमेशा इसको कुकर में एक सीटी मार लेता हूँ, तो इसमें हम लोग पहले पानी ले लेते हैं, चाहिए उतना क्वांटिटी के हिसाब से। उसमें चिकन डाल देंगे, प्लस आलू यहाँ पे निकाल के रखा हूँ मैंने, क्योंकि आलू मम्मी खाते हैं, मेरा बेटा जिमू वो भी आलू खाता है इसमें नॉनवेज में, तो वो उसके लिए अभी चिकन इसमें पानी में डाल देते हैं हम लोग। और ये डालने के बाद में जो गरम मसाला है, इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग बोलते हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, बाकी जो भी गरम मसाले के जो इंग्रेडिएंट्स है वो डाल रहे हैं यहाँ पे। साथ में ये तेज पत्ता, ये आप लोग डालना, बहुत से लोग डालते होंगे, जो नहीं डालते होंगे वो लोग ट्राई करना इसको डाल के कैसा लगता है करके, मुझे बहुत पसंद है ये, इसके लिए डाल रहा हूँ। और आगे बात अपनी आलू की, तो आलू के पीसेस कर लेता हूँ और इसको डाल देता हूँ इसमें ऐसे, ताकि इसी के साथ में जब चिकन ये होगा पूरा अच्छे से गल जाएगा, तो साथ में आलू भी हमारा गल जाए अच्छी तरीके से, ताकि उसको कच्चा ना रहे। तो चलिए अब ये कुकर लगा देते हम लोग। इसमें एक चीज भूल गया मैं डालना, आप लोग मत भूलना, नमक, इसके बिना तो मजा ही नहीं है खाने में भाई। तो स्वाद अनुसार आप डाल दो, मैं भी ज्यादा नहीं थोड़ा डाल रहा हूँ, फिर बाद में करी में देखेंगे हम लोग अगर लगता है तो। और इसका ढक्कन मैं लेना भूल गया, वो ले लेता हूँ। चलिए अब ये हो गया हमारा एक काम कंप्लीट, सही से लग गया है। अब चलिए बाकी दूसरा जो मिक्सर का काम है वो हम लोग करते हैं। तो गाइस अब आ गया हमारा मिक्सी का काम। तो सबसे पहले हम लोग कांदा, टमाटे, अदरक, जो लहसुन जो भी हम लोगों ने काटे हैं, हरी मिर्च, ये सारी चीजें इसमें हम लोग डाल दे रहे हैं। और फिर मिक्स, इसका बड़ा पॉट इसलिए लिया हूँ मैं कि छोटे पॉट में इतना सब बैठता नहीं था, इसके लिए मैं बड़े पॉट में कर रहा हूँ। तो आइए अब चलते हैं और मिक्सी का काम करते। चेक कर लेते सही से पेस्ट हुआ है या कुछ रह गया है, अगर कुछ रह जाएगा तो करी में मजा नहीं आएगा फिर बीच में, तो चेक कर लेते हैं। आई थिंक हो ही गया है सब, आप लोग भी देख सक रहे हो सारा अच्छे से हमारा पेस्ट बन गया है। तो चलिए अब अगली प्रोसेस के लिए जाते हैं हम लोग, अब मसाला फ्राई करने के लिए, करी फ्राई करना है।
और ये सब वो सब प्रोसेस करते हैं। अब हमारे को करी बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग तेल कढ़ाई में, अच्छे से इसको थोड़ा गर्म करते हैं, फिर हमारी करी और मसाला डालते हैं। तब तक आप लोग देख रहे हो कि ये छोटे कुकर के अंदर हमारा चिकन आलू वगैरह जो मैं डाला हूँ वो सारा चीज़ हो रहा है उसमें। बाजू के कुकर में शायद राइस चढ़ाए ना, राइस चढ़ाए हैं तो वहाँ पे राइस बन रहा है, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, श्रीमती जी का है, तो वो चेक कर लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार है। नमक मैंने लिया नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखे पहले उसको चिकन ही होते टाइम पे मैंने नमक डाल लिया था। तो अब ये सारे मसाले हम लोग इसमें डालते हैं और इसको अच्छे से भुनेंगे हम लोग। इसको धीमी आंच पे आपको भुनना है, ज्यादा तेज आंच में नहीं भूनना है, नहीं तो फिर आपके मसाले जल सकते हैं। इसके साथ अब ये जो हमने पेस्ट बनाए थे ये पेस्ट भी इसमें डाल दे रहे हैं हम लोग, इसको भी थोड़ा अच्छे से हम लोग भून लेंगे अच्छे से मिक्स करके। और इसमें हम लोग पानी ले लेते हैं थोड़ा सा अभी भून के बाद में थोड़ा सा, ताकि ये पूरा मसाला इसमें आ जाए। कलर कैसा लग रहा है वो बताओ, खुशबू तो मुझे अच्छी लग रही है। आप लोगों को डिजिटली खुशबू लीजिए इसकी और देखिए कैसा लगता है डिजिटली खुशबू में। अभी थोड़ा सा हम लोग इसमें पानी डाल देते हैं क्योंकि मसाला ऑलमोस्ट भुने गया है हमारा। तो इसी में ये मसाले में देखो कंटेनर में से पूरा लेके इसमें पानी डाल के पूरा साफ कर लिया हूँ। अब इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लूँ। ये देखिए ग्रेवी एकदम मस्त थिक ग्रेवी हो गई है हमारी। इसके अंदर मैंने कोई भी जो हम लोग बोलते हैं सेंगदाने या तो फिर कोई लोग खोबरा डालते हैं या वो सारी चीज़ें नहीं डाला हूँ मैंने। ये देखिए ग्रेवी मेरी कैसी बनी है और ये क्वांटिटी इतनी बनेगी कि इसमें आराम से 5 से 6 लोग आराम से खाना खा लेंगे, ऐसी क्वांटिटी बनेगी। सिर्फ इतना है कि इसमें चिकन की क्वांटिटी मैंने कम किया हूँ। तो अब इसको थोड़ा सा और पानी डाल के हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो फिर क्वांटिटी देखेंगे। अब हम लोग कुकर खोल के देखते हैं हमारा चिकन हुआ या नहीं हुआ। कुकर की पूरी हवा निकालने के बाद ही हम लोग कुकर खोलेंगे, एकदम से खोले तो फट सकता है आप सभी को तो पता है। अभी इसकी पूरी हवा निकलने के बाद हम लोग देखते हैं हमारा चिकन कैसा हुआ है कितना हुआ है, उस हिसाब से फिर हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देखिए ये खुल चुका है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा चिकन हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए चिकन हो गया है, आलू भी हमारे हो गए हैं, पानी थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया है। तो अब देखते हैं हम लोग उस हिसाब से ग्रेवी के लिए कैसा करना है, थोड़ा इसमें से हम लोग पानी कम करेंगे। तो गाइस ये हो गया है हमारा, अब इसमें हम लोग डाल लेते हैं पूरा। एकदम बढ़िया से पूरा गल गया है चिकन और जो पानी थोड़ा ज्यादा हुआ था तो पानी हम लोगों ने निकाल लिया है सूप। अब उसका देखते क्या करना है या फेंकना है वो सोचेंगे हम लोग और उस हिसाब से करेंगे। ये पानी सब ज्यादा हो गया था थोड़ा मेरे हाथ से, तो भाई इतना तो चलता है 19-20 होता है। तो अब इसको अच्छे से थोड़ा सा हम लोग उबलने देते हैं, अच्छे से इसको बॉइल होने देते हैं इसी में और फिर देखते हैं आगे। वैसे भी जब भी हर बार मैं चिकन बनाता हूँ तो मेरे से यही गलती होती है, जब चिकन को पहले मैं बॉईल करने के लिए रखता हूँ अच्छे से उसमें मेरे से पानी 19-20 क्या 40-60 हो जाता है, पानी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अब इसको हम लोग अभी अच्छे से देख सक रहे हो आप, उसमें उबाल आ गया है, इसको अच्छे से उबलने देंगे, थोड़ा सा इसमें पानी कम हो जाएगा और जो हम लोगों ने ग्रेवी के लिए मसाला और वो सब बनाए थे वो सारा भी आलू के साथ में और चिकन के पीस के साथ में मिक्स हो जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा आएगा। फिर देखते हैं अभी आगे, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए, लेकिन जो गलती मैंने किया वो गलती मत करना कि पानी बहुत ज्यादा डालने का। मून और जीमू दोनों हंस रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ पानी की गलती को। ये जीमू आ गया मेरे पास में और मत बोलो करके देखो है। तो चलिए देखते अभी कैसा होता है, आगे बताते हैं। अब हमारा चिकन फाइनल पे है और मेरी प्यारी बीवी जी श्रीमती जी, मुझे नॉनवेज के साथ सलाद बहुत पसंद है,
तो ये देखिए सलाद बना रही है। मुन क्या क्या है सलाद में? ककड़ी है, हाँ नींबू है, प्याज है, ओके मूली है। चलो, ककड़ी, नींबू, प्याज, मूली, सारी चीज़ें आ गई भाई, सभी तैयार हो रहा है अभी। तो करते एंजॉय खाने को, आप भी कीजिए। अभी फाइनल जो टच रहेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा एक बार कैसा हुआ है क्या। और ये ककड़ी कट चुकी है, मैं अभी एक लेके खा लेता हूँ। तो ये हो गई हमारी सलाद तैयार, चिकन ऑलमोस्ट डन। अब अरे वाह, टमाटर भी मिलेगा मून हमको? मून टमाटर भी मिलेगा? नहीं मिलेंगे, ये किसके लिए? तुमको छोड़ के बाकी सबके लिए। अच्छा ऐसा है, चलो टमाटर मुझे नहीं मिलने वाला है, वो सलाद मिलेंगी, बकरियों का चारा जो मुझे पसंद है। और वो ककड़ी शायद पापा के लिए ना, बारीक करके, मम्मी पापा के लिए। तो चलिए फाइनली गाइस, चिकन बन के रेडी है और मेरी प्यारी सी बीवी मेरे को हेल्प कर रही है उसमें, पलटा के देने में दूसरे बर्तन में। मुझे नहीं जम रहा था, फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं आता है मुझे। हाँ कुकिंग कर लेता हूँ, चमचा हला लेता हूँ, बाकी सब कर लेता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मैं नहीं कर पाता हूँ। तो थैंक टू माय स्वीट स्वीट वाइफ के मेरा हो जा रहा है। अब देखो वो बोल रही है बर्तन भी धोना, तो वो भी नहीं आता है मुझे, तेरे को सिखाना पड़ेगा। आज तू धो के दिखा दे, कल से मैं धो लूंगा, ठीक है? पील से धो लो। चलो चिकन बन के रेडी है, अब टेस्ट करने का टाइम है। अटक रहा हूँ, भूख लग गई है ज्यादा, देख के मन ललचा रहा है। और देखिए कैसा बना है, आप लोग डिजिटली एंजॉय कीजिए, मैं रियल खा के एंजॉय करूंगा। बना तो मस्त है, टेस्ट किया था मैंने उसकी ग्रेवी थोड़ी सी पहले, मसाला तेज वगैरह चेक करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। बीवी जी ने भी चेक किए थे, वो भी बोले सही बना है, थोड़ा सा नमक कम है, तो नमक अलग से मैं निकाल लिया हूँ क्योंकि कम ज्यादा हो गया था इसके लिए। एक चीज और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मिलते जाएंगे। एक बार फिर से सॉरी कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा 2-4 दिन में मेरी कंटिन्यूटी हो जाए फिर से, और रोज डेली आपको कुछ ना कुछ नया दिखा दे जाऊँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।